नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के द्वारा रक्तदान शिविर का समापन हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गाड़ीलोहा चित्तौड़गढ़ में शिविर का आयोजन हुआ। प्रमोद कुमार दसोरा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला मुख्य आयुक्त स्काउट गाइड चित्तौड़गढ़ में बताया कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड चित्तौड़गढ़ एवं शिक्षक समुदाय के संयुक्त तत्वाधान में शिविर का शुभारंभ सुरेंद्र सिंह अतिरिक्त जिला कलेक्टर भुआ वापती एवं विनोद मल्होत्रा अतिरिक्त जिला कलेक्टर रावत भाटा के सानिध्य में आरंभ किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भू अवाप्ती ने अपने उद्बोधन में थैलेसीमिया प्रभावित बालक बालिकाओं को समय समय पर रक्त की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षक समुदाय द्वारा किए गए इस प्रयास को समाज और विभाग के लिए नवाचार बताते हुए भविष्य में नियमित रखने की आशा व्यक्त की। यहाँ पर हमारे रक्तवीर जो राशनी से पूछे हैं, मैं इनसे मिलने का कोशिश करूंगा। सर बताइए, रक्तदान जो आप कर रहे हो आपको कैसा फील हो रहा है बताइए सर? रक्तदान बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं गौरी सिंह रुबेरा अध्यापक कीरखेड़ा राशमी से हूँ और चित्तौड़गढ़ आया हूँ आज चौथी बार रक्तदान करने। रक्तदान करके बहुत अच्छा लग रहा है और ये थैलेसीमिया जो बच्चों के ग्रसित बीमारी है उनको समर्पित किया जा रहा है और सभी आइए और रक्तदान में भाग लीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और सभी से निवेदन करता हूँ कि ऐसा हर साल में एक बार लगे जिससे थैलेसीमिया से ग्रसित लोग है या बच्चे है उनको समर्पित किया जा सके। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के तहत में आज यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है उसमें जो रक्तवीर हैं जो रक्तदान कर रहे हैं मैं उनसे मिलने का रूबरू होऊंगा। जी सर बताइए, रक्तदान करके आपको कैसा लग रहा है? आपका नाम? मेरा नाम किशनलाल जटिया है। मैं अध्यापक L2 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोनाडा में कार्यरत हूँ। 22वीं बार रक्तदान कर रहा हूँ और एक जो सर्वे जो है थैलेसीमिया से ग्रसित जो 54 बच्चे हैं राजकीय विद्यालयों में और उनके लिए जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है और ये बिल्कुल ही उन बच्चों के लिए सार्थक सिद्ध होगा और बच्चों को वास्तव में रक्त की पूर्ति होगी और उनको सहायता मिलेगी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि रक्त का कोई अल्टरनेट नहीं है और ऐसा तो नहीं है कोई नल है जहां से भर के ले आएंगे और रक्तदान करेंगे तो ही रक्त की आपूर्ति हो सकती है। राजस्थान राज्य बार स्काउट एंड गाइड के कैंप में पहुंच चुका हूं, आज मिलूंगा इन सर से। जी सर आप बताइए, सर आप मेडिकल टीम से आए हैं, सर आप बताइए सर आपका नाम और आपका पद और आप कौन से सुविधाएं? मैं डॉक्टर रोहित धाकड़ पैथोलॉजिस्ट सांवरिया हॉस्पिटल चित्तौड़ से है और ब्लड बैंक सांवरिया हॉस्पिटल की टीम आज यहाँ पे रक्तदान के लिए कलेक्शन करने के लिए आई है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये स्कूल है गाड़ियालोहार स्कूल, इसमें आज ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन किया जा रहा है और ये ब्लड जो है थैलेसीमिक बच्चों के लिए, हीमोफिलिक बच्चों के लिए और जो ट्रॉमा और गायनिक पेशेंट्स हैं उन सभी के लिए अवेलेबल रहेगा अपने सांवरिया हॉस्पिटल्स की टीम्स के द्वारा जो कलेक्शन किया जाएगा। और अब तक 65 से ऊपर अच्छा रक्तदान हो चुका है और आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। यहाँ पर रक्तदाता जो तेसरी बरेसर से पहुंच चुका है, मैं इनसे बात करूंगा कि आपने रक्तदान कैसे किया गया है बताइए। आपका नाम बताइए सर, आपने रक्तदान कैसे लग रहा है? सर मुझे रक्तदान करके बहुत बढ़िया लग रहा है, रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर ब्लड डोनेट करें। मेरा नाम राधेश्याम जटिया है, मैं रकमपुरा का रहने वाला हूँ और भदेसर ब्लॉक में GPS गागुड़ा में पोस्टेड हूँ और ये रक्तदान जो रखा है टीचर्स और स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वावधान तो और थैलेसीमिया के बच्चों को समर्पित है तो उनको हर में की जरूरत होती है। मैंने सर ये तीसरी बार ब्लड डोनेट किया है और ब्लड डोनेट करने से एक भ्रांति है समाज में कि कमजोर हो जाएंगे, ये बिल्कुल एक मिथक है। ब्लड डोनेट करने से कभी कोई कमजोर नहीं होता है, 12 घंटे में बॉडीज को रिकवर कर लेती है तो मैक्सिमम नंबर में बढ़ा रहे हैं और ब्लड डोनेट करें। इसी तरह ये भी एक देश सेवा है, बॉर्डर पर खड़े नहीं हो सकते तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राजस्थान राज्य भर स्काउट गाइड के तहत में आज यहाँ पे शिविर लगाया गया है, मैं इन शिविर में आकर यहाँ के जो प्रिंसिपल मैडम है उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। जी मैडम आपका नाम बताइए, मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम नौसर जाट है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गाड़ी लोहार में यहाँ पे प्रधानाध्यापक हूँ मैं। आप बताइए यहाँ पे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, जनता के बारे में क्या मैसेज? ये बहुत ही नई पहल है, पहली बार
भारतीय स्काउट गाइड और चित्तौड़गढ़ जिले के सभी शिक्षकों के द्वारा एक नई पहल की गई है कि रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और ये बहुत ही बड़ा दान होता है, सबसे बड़ा दान ही रक्तदान होता है कि किसी की जान इसमें बचाई जा सकती है। और कोई भी अगर रक्तदान करता है तो उसमें कोई कमजोरी नहीं आती, क्योंकि ये तो तुरंत फिर से वापस बन जाता है। और जो शिक्षकों के द्वारा चित्तौड़ जिले के शिक्षकों के द्वारा स्काउट गाइड के साथ में मिल करके और जो ये पहली बार जो नई पहल की गई है, यह बहुत ही सबके लिए प्रेरणास्पद रहेगी। इस एक ऐतिहासिक पहल है। राजस्थान राज्य बॉय स्काउट गाइड के तहत में यहाँ पे बालिका उपस्थित है, इन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है, जो इनके चित्तों की जनता के बारे में ये कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी सुखवाल, मैं राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ से राज्यपाल रेंजर। मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि हमें वर्ष में कम से कम एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो थोड़ा सा रक्त है उसके द्वारा हम किसी के जीवन को अच्छे से तार सकते हैं। तो हमारे द्वारा किया गया रक्तदान किसी के लिए वरदान साबित हो सकता है, इसलिए हमें रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से हमें ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। धन्यवाद। आप बताइए सर, आप